हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं MT-15 के नए अपडेटेड वर्जन के बारे में। वैसे तो आप लोगों को पता ही है 150-160 cc के सेगमेंट में यामा की MT-15 वन ऑफ द बेस्ट मशीन है। फीचर्स काफी अच्छे हैं बाइक में, टेक्नोलॉजी एडवांस इंजन है, बट ये भी सही बात है कि इस बाइक में काफी सारी कमी है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा उससे रिलेटेड कि इस बाइक में क्या क्या कमी है अभी तक फिलहाल एंड क्या उनको सही करना चाहिए आने वाले नए मॉडल में। सो आप लोगों को कुछ मैं ऐसा उल्टा सीधा नहीं बताऊंगा, सीधा सिंपल भाषा में बात करेंगे कि इस बाइक के लॉन्च में अभी टाइम है। आपको हो सकता है 2023 मिड तक का वेट करना पड़े, जो लोग भी वेट कर रहे हैं तो तब तक शायद ये बाइक लॉन्च हो सकती है, गारंटी नहीं है, हो सकती है। सो इस वीडियो में बात करने वाले एक नए अपडेट के बारे में जो मैंने अभी तक कवर नहीं किया एंड कुछ दिन पहले ही उसके बारे में पता चला है, वो है इसका TFT डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट कंसोल। जी हाँ, ये हो सकता है कि नई MT-15 में जो वर्जन आएगा इसका, उसमें आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिले। सो यामा ने रिसेंटली इंटरनेशनल मार्केट में MT-07 एंड MT-125 ये दो बाइक को अपडेट किया है एंड इन दोनों बाइक्स में मिलता है आपको 5 इंच का TFT डिस्प्ले जो अभी तक नहीं मिल रहा था आपको, एंड इसमें आपको काफ़ी सारे नए नए फीचर्स भी मिलने वाले और ये कंसोल बाइक को और ज़्यादा प्रीमियम बना रहा है, इस बात पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए। एंड अगर ये MT-125 में दिया गया है तो MT-15 में ये डेफिनेटली आप लोग को देखने को मिल जाएगा जब भी इसका नया मॉडल लॉन्च होगा। कंपटीशन काफ़ी बढ़ता जा रहा है 125-150 cc के सेगमेंट में फीचर्स को लेके। अभी TVS राइडर ने अपना नया वर्जन लॉन्च किया था 125 cc का, जिसमें उन्होंने TFT कंसोल दिया था, तो ये बात तो श्योर है कि अब जो MT-15 का नया वर्जन आएगा उसमें आपको काफ़ी सारे नए अपडेट्स मिलने वाले हैं। और हाँ, एक बात और आप लोग ध्यान में रखिए कि अगर इतने सारे अपडेट्स मिलेंगे, लाइक अगर इसमें डुअल चैनल ABS आ गया, TFT डिस्प्ले आ गया, अगर सीट को लेके कुछ एडजस्टमेंट किया गया, तो भैया प्राइसिंग तो बढ़ने वाली है इस बाइक की, उस बात का खास ध्यान रखना। कौन कौन है आप लोगों में से जो इस बाइक का वेट कर रहा है इसके आने वाले नए अपडेटेड वर्जन के लिए, कौन कौन वेट कर रहा है मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड आप लोग को ये नया अपडेट कैसा लगा वो भी मुझे बताना कि अगर TFT डिस्प्ले के साथ अब ये बाइक आएगी तो मेरे ख्याल से तो ये बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी दिखने वाली है। सो यस, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को ये अपडेट पसंद आए। अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्टे सेफ, राइड हार्ड, बाय बाय।